हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्पाइन मेडिकोस आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के बारे में ओके okay. तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के पांच इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल के साथ तो पहला फंक्शन है एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स की तरह रिएक्ट करता है मतलब ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है एग्जाम्पल देख लीजिए ग्लूकोज जो कि एक मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज इज द मेन एनर्जी सोर्स इन द ह्यूमस एंड प्रोवाइड फोर कैलोरी पर ग्राम एनर्जी ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो ग्लूकोज है और एक ग्राम ग्लूकोज चार कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है दूसरा एग्जाम्पल है लेकटोज जो कि एक डाई है लेकटोज इज द मिल्क शुगर एंड मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है और लैक्टोज मेनली किनको एनर्जी प्रोवाइड कराता कर है ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज जो और कुछ खाना नहीं खा सकते हैं जो फुल्ली मिल्क पर ही डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए उन्हें लैक्टोज एनर्जी प्रोवाइड कराता कर है दूसरा फंक्शन है स्टोरेज ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट बॉडी में स्टोरेज एनर्जी की तरह भी प्रेजेंट रहते हैं एग्जाम्पल देखिए ग्लाइकोजन जो कि है ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन ह्यूमन एंड एनिमल्स टू मेड द इमीजिएट एनर्जी डिमांड्स ऑफ द बॉडी ग्लूकोज ह्यूमन्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है ताकि जब इमिजिएट एनर्जी की डिमांड हो तब ये ग्लाइकोजन एनर्जी के लिए यूज हो सके इसको आप इस चीज़ से समझिए जब अनलिमिटेड खाना मिलने पर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो जो ग्लूकोज यूटिलाइज होना होता है बॉडी के लिए उस टाइम वो तो यूटिलाइज हो जाता है लेकिन जो रिमेनिंग ग्लूकोज है वो ह्यूमन लीवर और मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और जब आप फास्टिंग में होते हो या आप कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं ले पाते हैं तब यही ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी प्रोवाइड करा देता है दूसरा एग्जाम्पल है स्टार्च वो भी एक पोलीसेक्राइड है स्टार्च इज कंपोज ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स प्लांट्स स्टोर इट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स में ग्लाइकोजन एनर्जी स्टोरेज की तरह यूज़ हो रहा था ऐसे ही प्लांट्स अपने फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है और ये भी ग्लूकोज यूनिट से ही मिलकर बना होता है इसीलिए जब हम किसी प्लांट्स को खाते हैं जैसे आलू या कोई हरी सब्जी उससे हमें एनर्जी मिलती है क्योंकि वो ग्लूकोज यूनिट से ही मिलकर बने होते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ सेल्स कार्बोहाइड्रेट सेल के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी पार्ट लेता है मतलब जो सेल्स के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है एग्जांपल देखिए सेल्यूलोज जो कि है प्लांट सेल वोल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स जो प्लांट की सेल सेलवोल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल्यूलोज क्या है एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं दूसरा एग्जाम्पल है काइटिन ये भी एक पोली सेकेराइड है फंजाई सेलवोल इज मेड अप ऑफ काइटिन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फंजाई की सेलवोल भी एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट काइटिन की बनी होती है जो फंजाई की सेलवोल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन मतलब ये प्रोटेक्टिव फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं एग्जाम्पल देख लीजिए यहां पर हयाल यूरोनिक एसिड जो कि पोली सेकेराइड है हयाल एसिड सर्वस एज अ ल्यूब्रिकेंट एंड शोक एब्जॉर्बेंट इन जॉइंट्स एंड आल्सो प्रोमोट वनड हीलिंग हयालोनिक एसिड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड कराता है मतलब एक चिपचिपा सा स्टिकी मेटेरियल है हयालोनिक एसिड जो जॉइंट्स में प्रेजेंट रहता है और जब भी जॉइंट्स में चोट लगती है जैसे घुटने कहीं पर टकरा जाते हैं तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन हेल्प करता है हेल्यूरोनिक एसिड ताकि जॉइंट्स में डैमेज ना हो और क्या करता है हेल्यूरोनिक एसिड वुंड हीलिंग को भी प्रोमोट करता है मतलब एक्सेलरेट कर देता है वुंड हीलिंग को शरीर में कहीं भी घाव होते हैं तो उसे एक्सेलरेट कर देता है हील होने के लिए दूसरा एग्जाम्पल है हिपेरिन जो वो भी एक पोलिसकेराइड है हिपेरिन इज एन नेचुरल एंटीकोगलेंट प्रिवेंट्स ब्लड क्लोटिंग इन ह्यूमस हिपेरिन ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमन बॉडी में नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरह फंक्शन करता है और एंटीकोगुलेंट का काम क्या होता है ब्लड को क्लोट होने से रोकना सो हिपेरिन भी यही करता है ये ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है ह्यूमन्स में ओके फिफ्थ और लास्ट फंक्शन है इसका ट्रीटमेंट में कार्बोहाइड्रेट ट्रीटमेंट में भी फंक्शन करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल लेक्टिज जो कि एक डाइसेकेराइड है लेक्टुलस इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिपैटिक एनसीफेलोपैथी लेक्टुलपेटिक एनसीफेलोपैथी के ट्रीटमेंट में यूज होता है अब ये हिपैटिक एनसीफेलोपैथी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लीवर टॉक्सिन्स को जो बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है मतलब लीवर में कुछ इश्यूज हो जाते हैं जैसे हेपेटाइटिस या सिरोसिस इन कंडीशन में लीवर टॉक्जींस को मेटाबोलाइज कराने के लिए फेल हो जाता है लीवर की इस कंडीशन की वजह से बॉडी के और डिफरेंट ऑर्गन भी डैमेज होने लगते हैं दूसरा एग्जाम्पल है इनुलिन जो कि एक पोलीसेकेराइड है इनुलिन इज यूज टू इवेल्युएट किडनी फंक्शन थ्रू मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इनुलिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो किडनी फंक्शन को एस्टिमेट या इवेल्युएट करने के लिए यूज होता है किसके थ्रू मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करके ये इनुल किडनी फंक्शन को इवेल्युएट करता है किडनी सही से फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है या नहीं ओके ये थे पांच इंपॉर्टेंट फंक्शन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स के साथ